गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़ा था हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। आज हम पढ़ेंगे पीनियल ग्लैंड के बारे में। पीनियल ग्लैंड जो है, इसके बारे में देखो लिखा है कि फोर ब्रेन की डोर्सल साइड पर ये प्रेजेंट है। डोर्सल साइड ऑफ फोर ब्रेन, यानी कि अगर ये हमारा फोर ब्रेन है तो इसमें आगे की तरफ ये प्रेजेंट होता है। और कौन सा हॉर्मोन रिलीज करता है? मेलाटोनिन। इसके द्वारा रिलीज होने वाले हॉर्मोन का नाम मेलेटोनिन का फंक्शन क्या है कि सर्कैडियन रिदम यानी कि बायोलॉजिकल क्लॉक को मेंटेन करके रखता है हमारी बॉडी में, 24 आवर्स की बायोलॉजिकल क्लॉक। कल भी इसके बारे में मैंने बताया था। तो ये जो साइकिल है, इसका रहना क्यों जरूरी है? देखो, इसका रहना जरूरी है ताकि स्लीप वेक साइकिल मेंटेन रहे शरीर में, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने में। इसके अलावा मेटाबॉलिज्म, पिगमेंटेशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल और डिफेंस कैपेबिलिटी, ये सब चीजों को भी ये मेंटेन करने में हेल्प करता है। तुमने देखा होगा कि अगर कभी हम आवश्यकता से अधिक सो लें या आवश्यकता से अधिक जाग जाएं तो हमारा क्रम जो है वो कई दिनों तक बिगड़ा रहता है। तो वो बिगड़ने का कारण ये क्लॉक होती है जो कि मेंटेन करके रखती है एक्टिविटीज। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट ग्लैंड पर, जिसका नाम है थायरॉयड ग्लैंड, THYROID। थायरॉयड ग्लैंड जो कि प्रेजेंट होता है हमारे थ्रोट रीजन में, और थ्रोट रीजन में कहाँ प्रेजेंट होता है? इज कम्पोज ऑफ टू लोब्स विच आर प्रेजेंट ऑन ईदर साइड ऑफ ट्रेकिया। ट्रेकिया के दोनों साइड दो लोब प्रेजेंट हैं, उसको कहते हैं थायरॉयड ग्लैंड। और ये दोनों लोब एक दूसरे से थिन फ्लैप से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। और इनकी संरचना कुछ इस तरह की होती है कि एक लोब ये रहा और एक लोब ये रहा, ठीक है। दोनों लोब इस तरह से इंटरकनेक्टेड होते हैं, ठीक है। और ये फ्लैप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू क्या कहलाता है? इस्थमस। ये कहलाता है इस्थमस। थायरॉयड ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ फॉलिकल्स ऑफ एंड स्ट्रोमल टिश्यूज। ये इसके छोटे छोटे पार्ट, इनको क्या कहते हैं? फॉलिकल्स और स्ट्रोमल टिश्यूज। फॉलिकल्स मतलब होते हैं सेल लाइक स्ट्रक्चर्स, और उनके बीच में जो टिश्यू प्रेजेंट है उसको कहेंगे स्ट्रोमल टिश्यूज। हर फॉलिकल में क्या है? फॉलिकुलर सेल्स प्रेजेंट हैं, साथ में एक कैविटी है। अब ये क्या सिंथेसाइज करते हैं? सिंथेसाइज करने वाले जो हॉर्मोन्स हैं उनका नाम है टेट्रा आयोडो थायरोनिन और ट्राई आयोडो थायरोनिन। टेट्रा आयोडो थायरोनिन और दूसरा ट्राई आयोडो थायरोनिन। तो मैं इसके नाम से ही पता लग रहा है कि इसमें क्या है कि एक में तो प्रेजेंट है चार यानी कि टेट्रा आयोडीन के एटम्स, और दूसरे में प्रेजेंट है तीन यानी कि ट्राई आयोडीन के एटम्स इसमें प्रेजेंट है। इसी वजह से आयोडीन इस हॉर्मोन के सिंथेसिस के लिए नेसेसरी होता है। तो कई बार हमने देखा भी होगा एडवर्टाइजमेंट वगैरह में कि आयोडीन की डेफिशियंसी से क्या होता है कि थायरोक्सिन नाम के हॉर्मोन का सिक्रीशन कम हो जाता है ना। इसी वजह से क्या लिखा है इन्होंने कि अगर आयोडीन कम होता है तो थायरोक्सिन नाम का हॉर्मोन कम बनेगा थायरॉयड ग्लैंड के द्वारा, तो उसे क्या कहेंगे? हाइपो। हाइपो का मतलब होता है लेस और हाइपर का मतलब होता है ज्यादा। तो ये क्या हो जाएगा? हाइपो थायरॉयड डिजीज। ये डिजीज है जिसमें कि थायरॉयड कम काम करता है और उसकी एंड एनलार्जमेंट ऑफ थायरॉयड ग्लैंड कॉमनली कॉल्ड गॉयटर। और जब इसका कम सिक्रीशन होता है तो व्यक्ति का जो ये ग्लैंड है जिसको थायरॉयड ग्लैंड कहते हैं ट्रेकिया के पास, ये स्वेल हो जाता है। स्वेल क्यों होता है? क्योंकि वो कोशिश करता है कि ज्यादा से ज्यादा आयोडीन को एब्जॉर्ब किया जाए और ज्यादा से ज्यादा थायरॉक्सिन को बनाया जाए, जबकि उस बड़ा होने से एनलार्ज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस एनलार्जमेंट को क्या कहते हैं? गॉयटर, GOYTR। यानी कि गॉयटर किस केस में होता है? जब आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाती है। हाइपोथायरॉयडिज्म ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कॉजेज डिफेक्टिव डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ ग्रोइंग बेबी लीडिंग टू स्टंटेड ग्रोथ। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर डॉक्टर भी जो एक्सपेक्टिंग मदर्स होती है उनको क्या बोलते हैं कि आप लोग अपने खाने में आयोडीन युक्त नमक यूज करें, क्योंकि आयोडीन क्या करता है?
उसकी वजह से थायरोक्सिन बनता है, और थायरोक्सिन की वजह से क्या होता है कि मेटाबॉलिज्म मेंटेन रहता है मदर का भी और बेबी का भी। और अगर ऐसा नहीं होता तो बेबी कैसा होता है, उसकी ग्रोथ कम होती है, स्टंटेड ग्रोथ लिखा है, स्टंटेड ग्रोथ, और साथ में उसका मैच्योरेशन और डेवलपमेंट पर भी बेबी के हेल्थ पर भी असर पड़ता है ना। इस चीज को कहते हैं क्रिएटिनिन। क्रिएटिनिज्म यानी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर अगर असर पड़े तो उसे क्रिएटिनिज्म कहते हैं। मेंटल रिटार्डेशन, लो इंटेलिजेंस, कोशेंट एबनॉर्मल स्किन डेफ, म्यूटिज्म, ये सब किस में देखने में आता है, ये सब बच्चे में देखने में आता है अगर उसकी मदर ने ये आयोडीन युक्त नमक का सेवन नहीं किया होता है। वैसे तो हम लोगों की जो डाइट होती है उसके अंदर भी आयोडीन आवश्यक अमाउंट में रहता है, लेकिन कुछ कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर कि वहाँ का जो पानी होता है वो आयोडीन डेफिशिएंट होता है, तो इस वजह से उनको नमक के साथ भी लेना पड़ता है। ठीक है, अब देखो आगे, ये सब चीज़ें जैसे कि मेंटल रिटार्डेशन, लो इंटेलिजेंस, कोशेंट एबनॉर्मल स्किन, डेफ म्यूटिज्म, डेफ म्यूटिज्म का मतलब क्या है, गूंगा बहरापन, तो ये सब चीज़ें भी देखने में आती हैं। एडल्ट वीमेन में हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल भी इरेगुलर हो सकती है, यानी कि जो 28 डेज के इंटरवल पर एग रिलीज होता है वो वाली प्रक्रिया भी वहां पर गड़बड़ा जाती है ना। ड्यू टू कैंसर ऑफ थायरॉयड ग्लैंड और ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ नोड्यूल्स ऑन थायरॉयड ग्लैंड, रेट ऑफ सिंथेसिस और सिक्रीशन ऑफ थायरॉयड हार्मोन इज इंक्रीज टू एबनॉर्मल हाई लेवल। अब जैसे हाइपोथायरॉयडिज्म था कि कम थायरॉक्सिन बन रहा है, उसी तरह से एक केस ऐसा भी हो सकता है जिसको कहते हैं हाइपर, हाइपर यानी कि ज्यादा सिक्रीशन, हाइपर थायरॉयडिज्म। और ऐसा किस वजह से होता है कि जबकि थायरॉयड ग्लैंड में क्या हो जाए, वहां पर गांठे बन जाए, गांठे कैसी कैंसरस ट्यूमर बन जाए, और उसको क्या लिखा है, एबनॉर्मल सिक्रीशन होने लगा, जो भी जो कि बॉडी की फिजियोलॉजी को एडवर्सली इफेक्ट करता है। अब देखो ऊपर इन्होंने क्या दिखाया, इस फिगर 22.3 में ऊपर दिखा है वेंट्रल साइड, यानी कि पीछे से ट्रेकिया के पीछे से थायरॉयड ग्लैंड कैसा दिखता है, और आगे क्या दिखाया कि वो आगे से कैसा दिखता है। इसमें आगे की तरफ अगर तुम देखो तो रेड कलर की डॉट्स दिखाई हैं जिनको पैरा थायरॉयड ग्लैंड कहते हैं। अगला ग्लैंड हमारा वही है जिसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट पेज पर, थायरॉयड ग्लैंड प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो ये थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है या टेट्रा आयडोथायरोनिन जो होता है, टेट्रा आयडोथायरोनिन ही फंक्शनल फॉर्म है थायरॉक्सिन। ठीक है, थायरॉक्सिन मतलब टेट्रा आयडोथायरोनिन। तो फंक्शनल थायरॉक्सिन कब बनेगा, जब इस ट्राई आयडोथायरोनिन में एक आयोडीन और जुड़ जाएगा है ना, और वो टेट्रा बन जाएगा। तो ये इसकी फंक्शन क्या है, इसकी यानी कि थायरोक्सिन की इसकी फंक्शन है मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन करना। मेटाबॉलिक रेट यानी कि बॉडी के अंदर कितने रिएक्शंस होते हैं, उन रिएक्शंस को कंट्रोल करना। दीज हॉर्मोन्स ऑल्सो सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ आरबीसी फॉर्मेशन। तो एक फंक्शन इसका आरबीसी फॉर्मेशन भी होता है। ठीक है, एक फंक्शन इसका ये हो गया। इसके बाद थायरॉयड हॉर्मोन्स कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट। अभी कहा कि मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करता है, तो किसके मेटाबॉलिज्म को, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, इनके मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। मेटाबॉलिज्म का मतलब ब्रेकडाउन को कंट्रोल करता है, फॉर्मेशन को यानी कि एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म दोनों को कंट्रोल करता है। मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस बाय थायरॉयड हार्मोन। अगली फंक्शन इसकी है वाटर एंड सॉल्ट बैलेंस, उसको भी ये कंट्रोल करता है। ठीक है, जैसे ये इन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, उसी तरह ये वाटर और सॉल्ट के बैलेंस को भी मेंटेन करके रखता है। एक और हार्मोन जो सीक्रेट करता है थायरॉयड ग्लैंड, उसका नाम है थायरोकैल्सिटोनिन। थायरोकैल्सिटोनिन जिसको शॉर्ट में टीसीटी लिखा हो। अब ये टीसीटी करता क्या है, देखो इसकी फंक्शन इसमें लिखा है, ये ब्लड कैल्शियम लेवल को मेंटेन करता है।
ब्लड कैल्शियम लेवल को मेंटेन कर किस तरह से करता है, इसके नाम में कैल्सिटोनिन है, तो ये ब्लड कैल्शियम लेवल को मेंटेन करता है। और इसके मेंटेन करने का जो तरीका है वो पैरा थायरॉयड ग्लैंड के ऑपोजिट है। अभी इससे अगला ग्लैंड हमारा पैरा थायरॉयड ग्लैंड ही है। पैरा थायरॉयड ग्लैंड कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करता है, लेकिन उसके और इस थायरोकैल्सिटोनिन के काम करने का तरीका बिल्कुल अपोजिट है ना, वही मैं तुम लोगों को अभी बताने वाला हूं। देखो पैरा थायरॉयड ग्लैंड क्या करता है, ये कैल्शियम के ये जो है ये कैल्शियम के लेवल को घटाता है, कैल्शियम लेवल इन ब्लड को घटाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब ये ब्लड से कैल्शियम चला जाएगा तो वो जाएगा कहां, या तो वो जाएगा यूरिन में, ठीक है, या वो कहां पर जाएगा, बोन में, या तो बोन में डिपोजिट हो जाएगा या फिर वो यूरिन के अंदर एक्सक्रीट हो जाएगा, बस वो ब्लड से हट जाएगा। तो ये काम कौन करेगा, ये थायरोकैल्सिटोनिन करेगा। इसके बाद आते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड के, अब आते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड का सिक्रीशन जो है यानी उसका हार्मोन है, उसका नाम है पैराथॉर्मोन, है ना, या पैराथायरॉयड हार्मोन। अब ये जो पैराथॉर्मोन है इसका फंक्शन ये है कि ये ब्लड में कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है, ठीक है, यानी कि ब्लड में कैल्शियम का लेवल ये बढ़ाएगा, वो क्या कर रहा था, वो घटा रहा था। ब्लड में कैल्शियम का लेवल कब बढ़ेगा, जबकि यूरिन में जो एक्सक्रीट हो रहा था वो रीअब्सॉर्ब होने लगे, है ना, और बोन्स में जो कैल्शियम है वो क्या हो डिजॉल्व होकर ब्लड में आ जाए। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है कि ये कहां से ब्लड को लेके आता है, ये ब्लड में कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है, और या तो उसे बोन से लेके आएगा या उसे यूरिन से लेके आएगा, ठीक है, ये वाली बात इसमें ध्यान रखनी है। सिक्रीशन ऑफ पैराथ हार्मोन इज रेगुलेटेड बाय सर्कुलेटिंग लेवल्स ऑफ कैल्शियम आयंस, यानी कि ये क्या है, ये इसका सिक्रीशन जो है पैराथ हार्मोन का किससे कंट्रोल होता है कि ब्लड में कैल्शियम कितना है। अगर ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम हो जाए तो पैराथ हार्मोन रिलीज होगा और वो फिर से उसे बढ़ा के नॉर्मल कर देगा, और अगर ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ जाता है किसी कारण से बढ़ जाता है तो उसके बाद थायरोकैल्सिटोनिन रिलीज होगा थायरॉयड ग्लैंड से, जो कि फिर से उसे घटा के नॉर्मल कर देगा। पैरा थायरॉयड हार्मोन इंक्रीजेज द कैल्शियम लेवल्स इन ब्लड, पीटीएच एक्ट्स ऑन बोन्स एंड स्टिमुलेट्स द प्रोसेस ऑफ बोन रीअब्सॉर्प्शन डिसोल्यूशन डीमिनरलाइजेशन। डीमिनरलाइजेशन शब्द का मतलब घुलना ही होता है ना, जो डिसोल्यूशन लिखा है। पीटीएच ऑल्सो स्टिमुलेट्स द रीअब्सॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम बाय द रीनल ट्यूब्यूल्स एंड इंक्रीजेस कैल्शियम रीअब्सॉर्प्शन फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड। तो फूड से, यूरिन से, बोन से, सबसे लेके वो कहां लेके जाता है, वो ब्लड में लेके जाता है। इट इज दस क्लियर दैट पीटीएच इज अ हाइपरकैल्सिमिक हार्मोन, हाइपर का मतलब ज्यादा, कैल्सिमिक का मतलब कैल्शियम, कैल्शियम के लेवल को बढ़ाने वाला हार्मोन है ये ब्लड में, इसलिए से हाइपरकैल्सिमिक कहते हैं, ठीक है। अलोंग विद टीसीटी इट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन कैल्शियम बैलेंस इन द बॉडी। तो ये दोनों हार्मोन हाइपरकैल्सिटोनिन और पैरा हार्मोन ये मिलकर कैल्शियम के लेवल को रेगुलेट करते हैं। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट ग्लैंड पर जिसका नाम है थाइमस ग्लैंड। नेक्स्ट ग्लैंड का नाम है थाइमस ग्लैंड। थायमस ग्लैंड का फंक्शन ये है, ये हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम को मेंटेन करता है। इम्यून सिस्टम को मेंटेन कैसे करता है,
ये क्या करता है कि टी सेल लिम्फोसाइट, देखो बॉडी में एक टाइप के इम्यून सेल्स यानी कि वाइब्रेंट सेल्स होते हैं जिनको कहते हैं लिम्फोसाइट, उन लिम्फोसाइट के मैच्योरेशन में ये हेल्प करता है। ठीक है, तो अगर थाइमस थाइमस देखो एक पर्टिकुलर एज तक ही पर एक पर्सन में एक्टिवेटेड रहता है, लगभग 15-18 ईयर्स की एज तक ही एक्टिवेट होता है, उसके बाद ये फंक्शन करना बंद कर देता है। इसका मतलब ये है कि हमारी बॉडी में जितने लिम्फोसाइट्स बनने होते हैं वो इतनी एज तक बन जाते हैं, उसके बाद पूरी एज उनकी जो संख्या होती है वो धीरे 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 कम होती जाती है ना। इसके द्वारा सिक्रीट होने वाला, देखो कि पहले तो इसकी लोकेशन देखते हैं क्या है। थाइमस ग्लैंड इज ग्लोबुलर स्ट्रक्चर लोकेटेड ऑन डॉर्सल साइड ऑफ हार्ट एंड एओर्टा, यानी कि अगर हम हार्ट की पोजीशन चेस्ट में देखें तो उसके डॉर्सल साइड में ये प्रेजेंट होता है, डॉर्सल साइड में, यानी कि ये तो हमारी वेंट्रल साइड है, इसके पीछे साइड प्रेजेंट है, डॉर्सल साइड ऑफ हार्ट, ये तो हो गई इसकी पोजीशन। इसके बाद थाइमस ग्लैंड प्लेज अ मेजर रोल इन डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम, सीक्रेट्स पेप्टाइड हॉर्मोन्स कॉल्ड थाइमोसिन्स, इसके द्वारा सीक्रेट होने वाले हॉर्मोन का नाम थाइमोसिन है, और नेचर इसकी क्या है कि ये पेप्टाइड है, तो यानी कि प्रोटीनेशियस है लेकिन साइज में छोटा है, इसीलिए इसे क्या लिखा है इन्होंने, इसे पेप्टाइड लिखा है, और नाम नाम है हॉर्मोन का थाइमोसिन। थाइमोसिन क्या रोल करता है, टी लिम्फोसाइट के मैच्योरेशन में रोल प्ले करता है। ठीक है, तो देखो दो तरह के लिम्फोसाइट हमने ब्लड में पढ़े थे, तो टी और दूसरा कौन सा पढ़ा था, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट, है ना। बी लिम्फोसाइट क्या होता है, हाँ बी लिम्फोसाइट वो होते हैं जो एंटीबॉडी प्रोडक्शन में रोल प्ले करते हैं, और टी लिम्फोसाइट वो हैं जो कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी देते हैं, तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी देने का ये काम करता है, और इसकी एब्सेंस अगर पर्सन में हो जाए तो क्या होगा, टी लिम्फोसाइट मैच्योर नहीं हो पाएंगे, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी नहीं दे पाएंगे, और टी लिम्फोसाइट कौन से होते हैं, ये स्पेसिफिक इम्यूनिटी देते हैं, स्पेसिफिक इम्यूनिटी, तो ये स्पेसिफिक इम्यूनिटी हमें प्राप्त नहीं होगी अगर टी लिम्फोसाइट प्रेजेंट नहीं होंगे। इन एडिशन थाइमोसिन प्रमोट प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज टू प्रोवाइड ह्यूमरल इम्यूनिटी, तो ये एक दूसरे तरह के लिम्फोसाइट को भी मैच्योर करते हैं जिन्हें बी लिम्फोसाइट कहते हैं, ये बी लिम्फोसाइट क्या प्रोड्यूस करते हैं, एंटीबॉडी, तो ये दोनों तरह के एंटीबॉडी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, टी लिम्फोसाइट देते हैं हमें सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, और ये बी लिम्फोसाइट हमें देते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी। ठीक है, तो ये दोनों तरह की इम्यूनिटीज के लिए हमें हेल्प करते हैं। थाइमस इज डीजेनरेटेड इन ओल्ड इंडिविजुअल्स रिजल्टिंग इन डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ थाइमोसिन, ये मैंने बताया था कि 18 इयर्स की एज के बाद ये जो ऑर्गन है या ग्लैंड है ये क्या डीजेनरेट होने लगता है, और इस वजह से थाइमोसिन का सिक्रेशन भी धीरे धीरे कम हो जाता है, इसी वजह से जो ओल्ड एज में है यानी कि आगे जैसे जैसे हम बढ़ते हैं हमारी इम्यूनिटी कमजोर होती जाती है। अब यहां पर ये जो दो नई टर्म आई है सेल मीडिएटेड और ह्यूमरल, इनका मीनिंग मैं बता देता हूं। सपोज ये हमारी बॉडी का कोई पार्ट है और इस पार्ट में ये सेल्स प्रेजेंट है, और ये जो बीच का स्पेस है ये इंटरसेल्युलर स्पेस है, बाहर से कोई पैथोजन अगर आता है तो वो दो जगह प्रेजेंट हो सकता है, या तो सेल्स के अंदर हो सकता है या सेल के बाहर हो सकता है, इसके अलावा कोई जगह नहीं। अगर सेल के अंदर प्रेजेंट होता है तो वो सेल बाकी सेल से अलग दिखने लगता है क्योंकि इसके अंदर पैथोजन है, इसके अंदर पैथोजन होने की वजह से इसके सरफेस पर कुछ अलग तरह के प्रोटीन बनने लगते हैं पैथोजन की वजह से, तो हमारा इम्यून सिस्टम क्या करता है ऐसे सेल्स की पहचान करके
स्पेशल सेल्स को भेजता है जो इन सेल्स को आइडेंटिफाई करके किल करते हैं, क्योंकि इसके अंदर पैथोजन है। ठीक है, समझ गए। उसी तरह से जिस तरह से जिस घर में आतंकवादी छुपे होते हैं उस घर को आइडेंटिफाई करके उस घर को नष्ट कर देते हैं सुरक्षा बल। ठीक है, तो आतंकवादी अगर अंदर है इसके, यानी कि पैथोजन अगर इसके अंदर है, तो इसे आइडेंटिफाई करके किल कर। आइडेंटिफाई करने का तरीका, ये स्पेसिफिक प्रोटीन्स हैं जो इसके सरफेस पर एक्सप्रेस होते हैं। ऐसे सेल्स को किल करने वाले जो सेल्स होते हैं उनको कहते हैं टी लिम्फोसाइट, है ना। और इनके द्वारा ये इम्यूनिटी हमें मिलती है, इसीलिए से सेल इम्यूनिटी, यानी कि सेल के द्वारा मिलने वाली इम्यूनिटी कहते हैं। ये हो गया क्लियर। अब बढ़ते हैं आगे। अब आते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी क्या होती है। ह्यूमरल इम्यूनिटी वो होती है कि अगर पैथोजन सेल में प्रेजेंट ना होकर सेल के बीच के स्पेस में प्रेजेंट होगा, यानी कि इस बीच के फ्लूइड या इंटरसेल्युलर स्पेस में प्रेजेंट होगा, तो वहां पर काम करेंगे एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज प्रोटीन्स होते हैं जो कि प्रोड्यूस किए जाते हैं बी लिम्फोसाइट, यानी कि दूसरे टाइप के लिम्फोसाइट के द्वारा, है ना। ये इंटरसेल्युलर स्पेस में इम्यूनिटी काम करती है, इसलिए इसको ह्यूमरल इम्यूनिटी कहते हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात, टी लिम्फोसाइट यानी कि सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी और बी लिम्फोसाइट यानी कि ह्यूमरल इम्यूनिटी, दोनों ही स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती है, यानी कि हर एक पैथोजन के अगेंस्ट स्पेसिफिक बनती है। नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी वो होती है जो कि नॉन स्पेसिफिक WBC से बनती है, जैसे कि एसिडोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, मैक्रोफेजेस, वो वाले जो WBC होते हैं वो नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी का पार्ट होते हैं। ठीक है, तो ये था ह्यूमरल और सेल मेडिएटेड का मतलब। कल हम पढ़ेंगे एड्रीनल ग्लैंड के बारे में।